नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। बुलेट पर दुल्हन को ब्याह कर लाया सुशील, क्षेत्र में हो रही शादी की खूब चर्चा। मंडी जिले में हुई एक शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। गाँव बचवान के सुशील बुलेट पर दुल्हन को घर लेकर आए। उप तहसील बलद्वाड़ा के गांव बछवाण में मनोहर लाल ठाकुर व बिमला ठाकुर के बेटे सुशील की शादी में खास बात रही कि वो बुलेट पर दुल्हन को ब्याह कर लाया। 13 मई को हुई शादी में सुशील ने दुल्हन को बुलेट पर लाने का निर्णय लिया। उनकी खुशी के खातिर माता पिता ने भी सहमति दे दी। वहीं पंजाब से आए हुए सुशील के दोस्त विक्की कटानी कलां लुधियाना से अपनी इनोवा गाड़ी लेकर आए थे और उसे सजाकर तैयार भी किया था, मगर दूल्हे सुशील ने बुलेट पर ही ससुराल जाने की रजामंदी दी। सुशील और उनका परिवार काफी समय से लुधियाना पंजाब में रह रहे हैं। वहां से हिमाचल आकर सुशील की शादी इनके मामा के घर लोअर भांबला से हुई। इस तरह से सुशील ने भी एक अनूठी पहल की। हिमाचल की बेटी रश्मि शर्मा बनी मिस भारत 2023 की विजेता। अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के निर्माता निर्देशक डॉक्टर महेश यादव द्वारा नई दिल्ली के YMCA ऑडिटोरियम में मिस भारत 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वालाजी की बेटी रश्मि शर्मा ने मिस भारत 2023 का खिताब जीता है। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम रनरअप बिहार की निधि झा रही तथा द्वितीय रनरअप हिमाचल की मिस अग्रिमा शर्मा रही, जो परीक्षा की वजह से आ नहीं सकी और उन्होंने प्रतियोगिता ऑनलाइन की। 10 मई को मिस भारत 2023 प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि व जूरी मेंबर्स राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल, तिब्बती पार्लियामेंट के पूर्व उप स्पीकर आचार्य यशि, वरिष्ठ समाजसेवी श्याम गंभीर और मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स 2021-22 डॉक्टर मिस निकितन मान थी। स्वास्थ्य सचिव शपथ पत्र के माध्यम से बताएं चयनित चिकित्सकों को क्यों नहीं दी गई नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति नहीं देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि शपथ पत्र दायर न करने की स्थिति में प्रतिकूल आदेश पारित किए जा सकते हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 31 मई को निर्धारित की है। जेलों में बंद कैदियों के लिए हिमकेयर योजना की शुरुआत, सरकार भरेगी प्रीमियम की किस्त। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में बंदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जेलों और अन्य संस्थानों के बंदियों के लिए एकीकृत STI HIV TB हेपेटाइटिस अभियान के शुभारंभ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बंदियों का पंजीकरण शुरू किया गया है और शीघ्र ही 100% लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किस्त अदा करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने पर कार्य किया जा रहा है। मनाली में चिट्टे के साथ हरियाणा का युवक गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली में चिट्टा तस्करी के आरोप में हरियाणा का युवक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मनाली पुलिस थाना की टीम जब क्लोत के पास गश्त पर थी तो इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 18.72 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और चिट्टे को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार चिट्टा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान 28 वर्षीय रवि कुमार सैनी पुत्र सुरेंद्र सैनी निवासी सुनारिया चौक शुगर मिल कॉलोनी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है, वहीं जिसके खिलाफ मनाली पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की पुष्टि कुल्लू SP साक्षी वर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि कोई भी नशा तस्कर बख्शा नहीं जाएगा। HPU ने 20 तक बढ़ाई विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने विभिन्न स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कई विद्यार्थी अभी भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नाबालिगा को बहला फुसलाकर मंदिर में कर लिया विवाह।
सिरमौर जिले के पामटा साहिब उपमंडल में 14 वर्षीय नाबालिका को बहला फुसलाकर बाल विवाह का मामला सामने आया है। बाल विवाह की इस घटना को पामटा साहिब के एक जाने माने मंदिर में अंजाम दिया गया। एसडीएम ने मंदिर पुजारी से रिकॉर्ड तलब करने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल नाबालिका के अपहरण का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पामटा साहिब की जामनीवाला पंचायत से 12 मई को लापता नाबालिका की मां ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी नानी के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वहीं जब देर शाम तक वहां नहीं पहुंची तो उन्होंने बेटी की तलाशी शुरू की। जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो किसी अनहोनी की आशंका के साथ उन्होंने पुलिस थाना में इसके अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों को तलाश के दौरान पता चला कि जामनीवाला पंचायत में ही अपनी नानी के यहाँ रह रहे एक करनाल हरियाणा के युवक ने उसका अपहरण कर लिया है और उसे बहला फुसलाकर पामटा साहिब में स्थित एक मंदिर में जाकर पंडित की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। इसका रिकॉर्ड शादी के फोटोग्राफ सहित मंदिर के रिकॉर्ड में दर्ज है। आधार नंबर बैंक खाते से लिंक न होने पर 14,000 से ज़्यादा छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी। आधार नंबर बैंक खाते से लिंक न होने पर राज्य के 14,000 से ज़्यादा छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। अब जब तक छात्र आधार नंबर को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करेंगे तब तक उनके खातों में छात्रवृत्ति नहीं डाली जाएगी। उच्च शिक्षा ने पात्र सभी छात्रों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में डाली जा सके। जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 19,813 छात्रवृत्ति आवेदन आए हैं। इसी तरह और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 23,450 छात्रवृत्ति आवेदन शिक्षा विभाग को मिले हैं। इसके बाद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11,920 छात्रों और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 17,047 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि दी गई। लेकिन इस दौरान प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 7,893 छात्रों और पोस्ट मैट्रिक में 6,408 छात्रों को छात्रवृत्ति रोक दी गई है। उक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इनके खातों में यह छात्रवृत्ति राशि डाली जाएगी। हिमाचल में रूटीन से चलेगी एचआरडीसी रात्रि बस सेवा। ड्राइवर यूनियन ने 18 मई तक टाली हड़ताल। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने रात्रि सेवाओं का बहिष्कार करने का फैसला 18 मई तक स्थगित कर दिया है। हालांकि आज सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ड्राइवर यूनियन ने रात्रि सेवाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान प्रदेश के करीब 50 रूटों पर बसें देरी से चली। इनमें रामपुर, रोहड़ू, रिकांगपियो, बैजनाथ और धर्मशाला जैसे रूट शामिल थे। इन रूटों पर बसें न चलने के कारण प्रदेश के हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 19.08 लाख राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा, पकड़ में आएंगे फर्जी कार्ड। हिमाचल में 19.08 लाख राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो गया है। फर्जी और दोहरे राशन कार्ड जल्द पकड़ में आएंगे। प्रदेश की 5,078 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें और एंड्रॉयड आधारित डिवाइस भी स्थापित कर दिए गए हैं। सरकार ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए थोक दुकानों, आटा चक्की और उचित मूल्यों की दुकानों के नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।